guys, what's up? Welcome back. Here is Jatin in front of you on this channel, Jatin's Lecture. So guys, today we are going through question number 13 of exercise 12.3. So चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं और सारी चीजें बाद में देखते हैं. देखिए, स्क्वायर OABC एक स्क्वायर है, is inscribed in a quadrant OPBQ. इसके अंदर इनक्लोज है एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर. ओ ए दे रखा है अपने पास 20. कितना दे रखा गाइस है 20 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. अब देखिए, केवल स्क्वायर की साइड गिवन है अपने पास और शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करते हैं, उसके अंदर से स्क्वायर का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे. देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन. सीधी सीधी बात है ना, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, शेडेड पोर्शन का एरिया बचेगा. अब क्वाड्रेंट का तो एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्यों? देखो, रेडियस तो हमें गिवन ही नहीं है, कैसे फाइंड आउट करें रेडियस? अब देखिए गाइस, इसको यहां से जॉइन कर दीजिए. जब हमें यहां पर जॉइन किया तो ये तो है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एंड इट इज आल्सो द रेडियस एज वेल. रेडियस भी है और डायगोनल भी है. साइड है 20 सेंटीमीटर एंड हमें पता है कि डायगोनल कितना होता है, अंडर रूट 2a. सो a साइड होगी तो इधर बन जाएगा ये रूट 20√2. डायगोनल हो गया 20√2 एंड रेडियस भी यही सेम होगा 20√2. चलो फाइंड आउट करते हैं. देखिए, गिवन लिखते हैं सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर OA ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. सो डायगोनल और वी कैन से द रेडियस इज इक्वल्स टू 20√2 सेंटीमीटर. हो गया? हो गया. नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट minus area of a square. तो क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया सबट्रैक्ट करना है. चलो तो करते हैं. क्वाड्रेंट के एरिया कितना? थीटा बाय 360. थीटा कितना है? 90 बाय 360 इंटू पाई है 3.14. अरे गाइस, मैंने स्किप कर दिया, यहाँ पर आएगा यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14. सॉरी गाइस, माय बैड. देखो, लिख देते हैं 3.14, नीचे 100 लगा देते हैं जीरोस, पॉइंट टाकर जीरोस, इनटू आर का स्क्वायर. आर है 20√2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का स्क्वायर. ओह, व्हाट आई एम सेइंग, स्क्वायर का स्क्वायर नहीं, साइड का स्क्वायर 20 का स्क्वायर. सो हमें स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा. नाउ 9 यहाँ पे 4 पे कैंसिल हो गया. जब इसको सोल्व करेंगे गाइस तो अपने पास बचेगा किसका, 20 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो मल्टीप्लाई में 2 लिया हुआ, ये कैंसिल हो के 100 पे, 100 से 100 कैंसिल, ऊपर बचा 3.14 × 2, 20 का स्क्वायर 400, ये बचेगा 6.28 माइनस 400 केम्स आउट टू बी 2.228 सेंटीमीटर का स्क्वायर. सो सी गाइस, इट्स द एरिया और वी कैन से द शेडेड पोर्शन रीजन. देखिए ये बिल्कुल इतना आसान है, मतलब यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन. आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा गाइस. समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब इट. We are going to meet in the next video. Till then, bye-bye guys. Stay healthy, stay safe.